We are so delighted that we have a school teacher with us. Her name is Sister Shafreen, and she is the only Christian school teacher in this area. She wants to share with us that how God is working in this area and what is the impact of Pastor Chris teaching on his life. Let's talk to Sister Shafreen, and she will share with us her thoughts. Yes, yes, Sister. मिसेज़ यस्मी मेरी तरफ से सबको सलाम. मेरा नाम शबरीन है और खुदा के फजल से मैं स्कूल टीचर हूँ और मैं हाई स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही हूँ. इस बात के लिए मैं खुदा की बहुत शुक्रगुजार हूँ. प्रेज़ गॉड. और ये है कि हम लोग आपके शुक्रगुजार हैं कि पास्टर क्रिस का मैसेज डिलीवर कर रहे हैं और हमें टीवी दिया है जिसके वसीला से हम लोग खुदा का कलाम सुनते हैं. हम लोग बहुत ही बैकवर्ड एरिया में रहते हैं जिधर खुदा का कलाम सुनाने के लिए खुदा का कोई खादिम नहीं आ सकता था और हमारे लिए खुदा का कलाम सुनना मुश्किल था. लेकिन अब खुदा के फजल से हम लोग टीवी पर पास्टर क्रिस के मैसेज को सुनते हैं. हम रोज़ाना इनके मैसेज को सुनते हैं और इसके वसीला से हम लोग बहुत बरकत पा रहे हैं. हम लोगों को ईमान में बहुत मजबूती हासिल हुई है. हम रूहानी तौर पर बहुत तरक्की कर रहे हैं और ये खुदा की हम पर बड़ी मेहरबानी है. और इसके बाद ये कि हम लोग अपने आप को मसीह कहलाने के लिए पसंद नहीं करते थे. हमारे दिल में एक बहुत बड़ा खौफ था कि अगर हम किसी को ये बताएंगे कि हम लोग क्रिश्चियन हैं तो हमारे लिए पता नहीं क्या हो जाएगा. लेकिन जब से हम लोगों ने खुदा के खादिम के कलाम को सुना है, उनके मुँह से खुदा का कलाम सुना है, तो अब हम लोग बहुत बहादुर हो गए हैं और अब हम लोग खुशी से हर किसी को ये बताते हैं कि हम लोग क्रिश्चियन हैं. और इसके अलावा ना सिर्फ हम लोग इस कलाम को अपने पास रखते हैं बल्कि सुनने के बाद हमारी कोशिश ये होती है कि जिन लोगों ने इस मैसेज को नहीं सुना उनको भी बताएं. और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने कलाम नहीं सुना होता या फिर उनको अच्छे से समझ नहीं आती, तो हम लोग उनको भी पंजाबी में अपने तौर पर खुदा के कलाम को बताते हैं. अभी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे लिए दुआ करें कि हम रूहानी तौर पर भी तरक्की पाएँ और इसके साथ साथ हम लोग लोगों को ये बताएं कि हम लोग क्रिश्चियन हैं और हम लोग इसको अमल से भी जाहिर करें. अपने इलाका के बारे में थोड़ा सा बताएं कि यहाँ पे लोगों की क्या सूरत हाल है और जब पास्टर क्रिस का लोग पैगाम सुनते हैं तो उनमें क्या तब्दीली आती है. इधर ये है कि हमारे गांव में बहुत कम लोग क्रिश्चियन हैं, बाकी सारे मुस्लिम हैं. और जब हम लोग खुदा का कलाम सुनते हैं, सारे लोग खुदा का कलाम सुनते हैं, तो वो रूहानी तौर पर बरकत पाते हैं. आपने सिस्टर शबरीन के मुँह से सुना कि किस तरह खुदा का कलाम इस इलाके में काम कर रहा है, किस तरह खुदा के खादिम पास्टर क्रिस टीवी की बदौलत, यहाँ पे जो टीवी चल रहा है उसकी बदौलत लोगों तक पहुँच रहे हैं, लोगों तक अपना पैगाम पहुँचा रहे हैं और लोगों की जिंदगी तब्दील हो रही है. उनकी जिंदगियों में वो जो डर था, वो जो डर मसीही होने का खौफ था, जो प्रोसिक्यूशन का खौफ है, जो सताए जाने का खौफ है, वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से निकल गया है. वो अब बड़ी दलेरी से, बड़ी हिम्मत से, बड़ी जुरत से ये बात करते हैं कि हम मसीही हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह को मानने वाले हैं और उसी का इकरार करने वाले हैं.